देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। कोरोना देश में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस, 325 मौतें। हांगकांग में संक्रमण बढ़ने की वजह से चुनाव टाले गए। पीएम मोदी ने 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया, कीटनाशकों के छिड़काव में करेगा मदद। पंजाब में मतदान कल 8 से 6 बजे तक होगी वोटिंग, सभी दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद, कर्मचारियों को मिलेगी पेड छुट्टी। फाइटर प्लेन की दिलचस्प लड़ाई, अभिनंदन ने जिस F-16 फाइटर को मार गिराया था सुखोई से होगा उसका मुकाबला जोधपुर में, भारत व ओमान की सेनाएं जुटेंगी। फांसी की सजा वाले सफदर नागौरी का MP कनेक्शन, कश्मीर पर लिखा था विवादित शोध पत्र, विक्रम यूनिवर्सिटी में किया ग्रेजुएशन। यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है रूस, बाइडेन बोले खुफिया रिपोर्ट में पुतिन के इरादों का खुलासा, कीव पर होगा पहला अटैक। यूक्रेन संकट, बाइडेन को दोस्तों की तलाश, पुतिन खुद न्यूक्लियर वॉर गेम देखने जाएंगे, अमेरिका की नाटो के सहयोगी देशों के साथ इमरजेंसी मीटिंग। यूक्रेन में युद्ध का ट्रेलर, अलगाववादियों ने सिक्योरिटी चीफ की कार उड़ाई, गैस पाइपलाइन में भी ब्लास्ट, कल स्कूल पर रॉकेट दागे थे। व्हाइट हाउस से गोपनीय दस्तावेज ले गए डोनाल्ड ट्रंप, इनमें नेशनल सिक्योरिटी की फाइल भी शामिल, नेशनल आर्काइव्स की खुफिया जांच में खुलासा। कप्तान रोहित है या विराट, रोहित हर्षल से बॉलिंग करवाना चाहते थे, कोहली ने रोका, चहल से गेंदबाजी करवाई और मिल गया विकेट। भुवनेश्वर पर भड़के रोहित, भूमि ने टपकाया आसान कैच, कैप्टन ने गुस्से में गेंद को लात मारी। चुनाव ड्यूटी में कर्मी, बैंकों में रहेगा ताला, सरकारी बैंकों में ज्यादातर कर्मी चुनाव ड्यूटी पर, 3 दिन तक सैकड़ों ब्रांच रहेंगी बंद। सहारनपुर में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी जमीयत, मौलाना अरशद मदनी बोले निचली अदालत हमेशा कठोर फैसला सुनाती है, अक्षरधाम मंदिर हमले का दिया उदाहरण। यूपी चुनाव लाइव, प्रयागराज में भाजपा की ब्रांडिंग के लिए नेताओं ने डाला डेरा, MP छत्तीसगढ़ और गुजरात से 200 एक्सपर्ट्स पहुंचे। फतेहपुर में आ जाएंगे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, आज करेंगे जनसभा, भाजपा उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। अयोध्या में सपा प्रत्याशी अभय सिंह गिरफ्तार, BJP के खब्बू तिवारी और अभय के समर्थकों के बीच दबंग गई, फायरिंग और थाने में तोड़फोड़ भी। हरदोई में आ जाएंगे अखिलेश यादव, सपा नेताओं के मुताबिक 8 विधानसभा पर पड़ेगा असर, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। 2 दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंच रही प्रियंका, हरचंदपुर में नुक्कड़ सभा तो सरेनी में करेंगी रोड शो, जगह जगह होगा स्वागत, तैयारियों में जुटे कांग्रेसी। कानपुर देहात में थमा चुनाव प्रचार, 20 फरवरी को EVM में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, 4 विधानसभाओं में 43 उम्मीदवार मैदान में। युवराज सिंह पर चलेगा SC ST एक्ट का केस, हाईकोर्ट ने आधी मंजूर की पूर्व क्रिकेटर की याचिका, सिर्फ IPC की धाराओं को हटाया। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।